सबसे पहले आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम सभी भारत में गांधी जयंती मनाएं, तो आज हम हमारे पाठशाला में मनाने जा रहे हैं। तो इसी बात पर हम सातवीं वर्ग के कुछ छात्राओं ने एक नाटिका बनाई, वो हम आपके सामने सादर कर रहे हैं। आजकल जहाँ भी देखो लोग तो सरकार के सफाई अभियान के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन क्या अभियान मीडिया के लिए नहीं? तो क्या ये न्यूज़पेपर के हेडलाइन के लिए है? नहीं नहीं, फिर हम सभी सफाई पर क्यों रहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम ये सफाई अपने शहर अपने देश के लिए करते हैं, और ये सफाई एक दिन का काम नहीं हर रोज की जिम्मेदारी। ये तो हुई समझाने वाली बात, आइए लेते रियलिटी। इस सफेद बोर्ड पे लिखा है यहाँ पर थूकना मना है। अरे भाई ये जो सफेद बोर्ड है उस पर क्या लिखा? यहाँ लिखा है यहाँ पर पान खाके थूकना है। थूकना है थूक। अरे अरे पान खाना मत, शेरडी का कोना लाल लाल। अरे ये तो अनसिविलाइज लोग हैं, हम इनसे और उन्हें भी क्या रख सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है ये पढ़े लिखे लोग इस देश को साफ रखेंगे? जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड डजंट मीन दैट यू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। सुबह 7 बजे तो गए पूरी तो मैं क्या करूँ, ये आठ डब्बे वाले हर महीने पैसे देते लेकिन एक डस्टबिन नहीं लगा सकते, मुझे क्या करूँ? शाम 4 बजे हाय, इतना सारा खुदा इससे इतने मच्छर आते हैं, सरकार भी कुछ नहीं करती सिर्फ वोट लेती है। रात 8 बजे इतनी अनसिविलाइज हो कई बार भी कूड़ा फेंक देते, खेल छोड़ो मुझे कह लेट्स गो। आप सरकार पर ब्लेम करते हो, आप दूसरों पर ब्लेम करते हो, लेकिन आपने अपनी खुद की गलती कभी देखी है? जल्दी से एक कूड़ा और दूसरे के सामने फेंक।
अच्छे हैं, लेकिन मिर्ची बहुत है, यही फेंकती हूँ। यह इमारत कितनी सुंदर है, इसमें नाम लिखना तो होगा, आज से चंद्रमारी, आज से यह इमारत मेरी। आखिर यहाँ सब लोग ऐसे हैं, तो मेरे एक अकेले से क्या होगा? ये देश आपका नहीं है। क्या पूरे सिटी शहर को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी अपनी नहीं है? हमारी पाठशाला गंदी नहीं करनी चाहिए, हमारा शहर गंदा नहीं करना चाहिए। हम इस बार शुरुआत करेंगे, हम हमारी पाठशाला साफ कर देंगे। पाठशाला से शिरडी, शिरडी से हेमंत नगर और हेमंत नगर से हम हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हमारा भारत देश साफ कर देंगे। और ये शुरुआत हम आज से करेंगे, आज से नहीं बल्कि अभी से करेंगे।